हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए साइंस में मोस्ट वेवेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आने वाले 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो इसी तरह का यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो www.studybit.in पर जाकर बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, और इस वेबसाइट का लिंक नीचे भी दिया गया है, वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, क्या है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो ऑप्शन है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है तो क्या होगा, इसमें आपका सीधी रेखा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, क्या हो जाएगा इसमें आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो ऑप्शन ए है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 3×10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3×10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बल्याकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है तो क्या हो जाएगा इसमें आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है। तो ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है दृष्टिपटल। तो इसमें आपका हो जाएगा मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है, आपका दृष्टिपटल है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समान नेत्र का दूर बिंदु है, क्या है समान नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो ये सबको पता होगा फ्रेंड, समान नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, आपका अनंत हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा किसे कहते हैं फ्रेंड्स, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो इसका एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका अर्थ जल है, निम्न में से किसका अर्थ जल है। तो ऑप्शन ए है पेट्रो, ऑप्शन बी है टर्बो, ऑप्शन सी है नाइट्रो, ऑप्शन डी है हाइड्रो। इसमें आपका हो जाएगा निम्न में से किसका अर्थ जल है, क्या हो जाएगा इसमें हाइड्रो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है कूलम, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इसमें विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है, तो क्या कहलाता है एक वोल्ट, एक जूल पर कूलाम, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो ऑप्शन ए फ्यूज तार, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी है उच्च धारा प्रवाह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो क्या हो जाएगा इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो क्या होगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा बल का, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो क्या होगा इसमें आपका, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, क्या होगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अम्लीय विलयन का pH होता है, किसी अम्लीय विलयन का pH होता है, तो ऑप्शन ए 7 के बराबर, ऑप्शन बी है 7 से अधिक, ऑप्शन सी है 7 से कम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो किसी अम्लीय विलयन का pH कितना हो जाएगा इसमें आपका, हो जाएगा 7 से कम, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट उसी को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विभिन्न रूप है, अलग अलग रूप है, क्या हो जाएगा इसमें आपका, CaCO3 का, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जठर रस का पीएच मान लगभग होता है, जठर रस का पीएच मान लगभग होता है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसमें आपका, जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा इसमें आपका, गैल्वनीकरण, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा KCl, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, क्या हो जाएगा इसमें आपका, ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी है बेरियम, तो बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, क्या हो जाएगा इसमें आपका, एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है, क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स चैनल को पर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।